हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएम टेक सॉल्यूशंस एडवांस एक्सेल कोर्स। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हम किस तरह से टेक्स्ट और सिंबल्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हमें टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है। यदि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यदि आपको टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, कुछ टाइप करना है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पर भी आपको टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है वहाँ पर ऐड करेंगे। उसमें जो भी टाइप करना है आप उस वर्ड को वहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कलर चेंजेस करना हुआ, यहाँ पर आपको सेव फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाता है। कलर चेंज करना हुआ, जिस तरह का भी आपको कलर चेंजेस करना हुआ, डिज़ाइन करना हुआ, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमें ऑप्शंस मिल जाता है यहाँ पर हेडर एंड फुटर का, जिसको हम देख चुके हैं, फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपको हेडर और फुटर आपका, जो जब आप प्रिंट करते हैं तो वहाँ पर आपको हेडर और फुटर यदि आप के साथ प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप हेडर और फुटर भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप पेज नंबर और भी लोगोज वेबसाइट्स के नेम आप उसमें ऐड कर सकते हैं, और हेडर और फुटर भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हमें यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाता है टेक्स्ट में, यहाँ पर वर्ड आर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर कई सारे वर्ड आर्ट के टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, सैम्पल मिल जाते हैं, जिसका आप यूज कर सकते हैं, और उसको इस तरह से आप जो भी इसमें टेक्स्ट ऐड करना चाहें वर्ड आर्ट को यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर हमें एक सिम्बॉल का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर हमें इक्वेशंस का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे इक्वेशंस आपको कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस है, कोई फॉर्मूला है, तो यहाँ पर आप उस इक्वेशंस को भी यूज कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी ऑप्शंस हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीखा है, इसको हमें यहाँ पर सीखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने उस वीडियोस को नहीं देखा या आप नहीं जानते हैं, तो आप इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर इसको देख सकते हैं कि किस तरह से हम इस जो इक्वेशंस वाला ऑप्शन है उसका यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं इंसर्ट वाले ही ऑप्शंस में, यहाँ पर हमें सिंबल का ऑप्शन मिल जाता है। सिंबल पर क्लिक करेंगे तो हमें जिस तरह का भी सिंबल चाहिए वे सारे सिंबल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो उस सिंबल को आप सिंपली सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए वो सिंबल जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है। बहुत ज़्यादा छोटा आपको दिखाई दे रहा है, इसका साइज़ हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। यहाँ पर आप साइज़ इंक्रीज करके उसका जो है सिंबल, इस तरह से आप सिंबल भी ऐड कर सकते हैं। तो लगभग आज हमने जो है इंसर्ट वाले ऑप्शंस में टेक्स्ट वाला ऑप्शंस और सिंबल वाला ऑप्शंस देखा। तो यहाँ पर हमारा जो इंसर्ट वाला ऑप्शंस है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स में वह एंड होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे वाले ऑप्शंस को देखेंगे। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।